हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। सो आज इस वीडियो में आपको एक गोरिल्ला ट्राइपॉड को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो ये गोरिल्ला ट्राइपॉड मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है गाइस। तो ऐसा कुछ पैकिंग है इसका, मैं इसको निकाल दूँगा। तो जब आप निकलते हैं तो सबसे पहले आपको एक मोबाइल स्टैंड मिलता है, मोबाइल होल्डर के लिए, मैं आपको बताऊंगा ये। फिर बाद में आता है एक, ये है गिम्बल, गिम्बल के साथ एक बॉक्स खाली गई। फिर आज भी फिर बाद में इसके साथ कुछ नहीं आता, इसको साइड को रख लेंगे। फिर ये कुछ ऐसा छोटा सा कवर में पैक में आता है, इसके अंदर ये रिमोट आता है। हाँ, ये रिमोट है। और ये क्या क्या है, 50% कूपन कैशबैक, मुझे कुछ कैशबैक नहीं मिला। तो अगर आप, मैं इसका प्राइस बताऊं तो ये है गोरिल्ला ट्राइपॉड, इसका प्राइस मुझे करीबन 400 रुपीज़ मिला है। इसके साथ रिमोट के साथ इंक्लूडेड है गाइस, और एक मोबाइल होल्डर भी मिला है इसके साथ 400 रुपीज़ में। तो ऐसा कुछ रिमोट आता है, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंड्रॉयड लिखा है, नीचे iOS कैमरा, स्पेसिफिकली एंड्रॉयड मोबाइल इसके लिए लगता है। तो मुझे पता नहीं कि वह वर्क कैसे करेगा। ये क्या, इसके अंदर बैटरी भी होगा ये, तो ये कुछ बैटरी है इसका, मुझे नहीं पता कि ये कैसा वर्क करता है, मैं इसको ट्राई कभी ट्राई नहीं किया है। तो ये इस पर एंड्रॉयड और iOS के लिए इसको साइड में रखते हैं। तो अपना, तो दोस्तों ये जो रिमोट है जो हमको पहले मिलता था, ये मुझे क्या काम करता है मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझे थोड़े वीडियोस देखने के बाद मालूम पड़ गया है। ये एक रिमोट शटर है, यहाँ पर जो लिखा है रिमोट शटर, मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है कुछ रिमोट शटर कुछ है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली एक ब्लूटूथ से काम करता है, यहाँ पर ऑफ ऑन बटन है, तो इसको मैं सिंपली ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन कर लूँगा। तो ये कनेक्ट हो गया है ब्लूटूथ के साथ। सो अब देखिए, अब अगर मैं इसको कुछ फोटोज लेना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं, मैं इसको फोटो को लेने के लिए प्रेस नहीं करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर जो एंड्रॉयड लिकेसो है, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड है, इसको मैं सिंपली इसको एंड्रॉयड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर फ़ोटो लिखा, आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो ले चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मतलब अच्छा है गाइस, जब भी आप ऐसे ट्राइपॉड पर अपने मोबाइल सेटअप करेंगे, आप अगर उस मैनुअली आपको मोबाइल के ऊपर प्रेस करना नहीं होगा, आपको सिंपली ये बटन प्रेस करने से ऑटोमेटिक फ़ोटो लेगा। और एक बार डेमो दिखा करके दिखाता हूँ, ये एंड्रॉयड के लिए ये प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं, एक देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये रिमोट वर्क करेगा, ऐसे बहुत ही अच्छा फीचर है ये। ट्राइपॉड स्टैंड निकाल अनबॉक्स करेंगे। तो इतना पैकेजिंग प्लास्टिक से, फिर और एक प्लास्टिक कवर में आता है, इसको भी निकाल देंगे। ये भी प्लास्टिक, कितना प्लास्टिक है यार, ये भी प्लास्टिक ही लगता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है गोरिल्ला स्टैंड, और यहाँ पर आप ये मोबाइल माउंट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, आप ऐसे स्टैंड यहाँ पर रख सकते हैं, देखिए ऐसा रख सकते हैं इसको, मतलब मोबाइल होल्डर के लिए आप इसको मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये है, आप इसको ऐसा मतलब इसको बेंड कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा बेंड करिए, कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल स्टैंड है ये, आप मतलब आप ऐसे भी रख सकते हैं मोबाइल को, आपको बता दूँ। आप देखिए, ऐसा कुछ मोबाइल आपको स्टैंड रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा गोरिल्ला ट्राइपॉड है, इसे यहाँ पर आप माउंट कर सकते हैं, आपको बता दूँ कैसे माउंट करते हैं। इसको साइड में रखते हैं, ये है मोबाइल स्टैंड, इसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए फाड़ना पड़ेगा, यहाँ पर एक पिन है छोटा। पैकेजिंग साइड को रखते हैं, ये है मोबाइल स्टैंड, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ निकाल ही गए, इसके अंदर हम मोबाइल रखना चाहिए। ये नीचे ये जो है रिंग, यहाँ पर आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो अगर हम इसको
स्ट्रेट करूं तो वहाँ पे यहाँ पर अपने मोबाइल को रख सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि इसके अंदर एक मोबाइल रख के। सो ये है एक मोबाइल, एक मोबाइल स्टैंड। तो पहले इसको मोबाइल के अंदर घुसाएंगे। ये एक फ्लेक्सीबल है, देख सकते हैं गाइस, ये फ्लेक्सीबल है। इसके अंदर आप आराम से कोई मोबाइल फिट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक मोबाइल घुसा दूंगा। तो ये मैंने घुसा दिया है ये मोबाइल। तो इसको मैं इसके साथ अटैच करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रिंग स्ट्रक्चर है, बोल्ट के जैसे, नट नट बोल्ट ऐसा कुछ है, फिक्स होगा। थर्ड है इसके अंदर, ये इसको घुमाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो इसको मैं फिक्स कर दूँ तो ये हो गया गाइस हमारा मोबाइल फिक्स। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फिक्स हो गया ये। तो आप यहाँ पर आप इजीली आपको अगर आप कोई भी ट्राइपॉड स्टैंड लगाना है तो आप देख सकते हैं ये क्या होगा। आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ आप अपने मोबाइल को रख सकते हैं। देख सकते हैं आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा ही है। आप ये इसको मूव भी कर सकते हैं। ऊपर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है, आपको ये व्लॉगिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप है ये। आप पैसा पकड़ के पैसा व्लॉग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है इसका। तो बने देखो आप यहाँ पर कैमरा भी, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा माउंट्स भी लगाना है तो यहाँ पर और एक थ्रेड दिया है रिंग, आप लगा सकते हैं और इसको आप मूव भी कर सकते हैं। ये जो बॉल है इसको ऐसा आप मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट, अच्छा है ये। और नॉर्मल वेट में ये नहीं हिलेगा, बहुत ही फर्म है, देखो आप ये कुछ नहीं हिलेगा जब आप इसको, अच्छा है ये। ओवरऑल गोरे ट्रैपॉड अच्छा है, व्लॉगिंग के लिए तो बेस्ट है मैं बताऊंगा। और आपको स्टेबल शॉट्स लेना है तो वो भी बहुत अच्छा है ये गोरिल्ला ट्रैपॉड। और सबसे अच्छा फीचर तो ये बहुत ही फ्लेक्सीबल है गाइस, ये कुछ ऐसा टूटेंगे नहीं। इसके अंदर कुछ बॉल के लाइक स्ट्रक्चर्स है, कुछ टूटेगा नहीं, अच्छा ही है। बाद में ये रिमोट पता नहीं किसका है, ये तो डब्बा लग रहा है मेरे को। तो जो चलिए गाइस यही रखते हैं, ये ओवरऑल ट्रैपॉड गोरिल्ला ट्रैपॉड बहुत ही अच्छा है गोरिल्ला स्टैंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसके वजह से मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ऑसम वीडियोस लाते रहूँगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।